की कोशिशों से 2047 में विकसित भारत का ख्वाब पूरा होगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। पुंछ के मंगनार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट, इलाके में तलाशी कार्रवाई। अमरनाथ यात्रा जोश और जज्बे के साथ जारी, एक माह में 4.5 लाख से जायद यात्री पहुंचे, गुज़िश्ता साल का टूटा रिकॉर्ड। श्रीनगर में गर्म तरीन रात रिकॉर्ड, 29 जुलाई से दर्ज हरारत में कमी मुतवक्का। हुकूमत मिलिटेंसी से मौसर तरीके से निपटने के लिए नई हिकमत अमली पर काम कर रही है, मरकजी वजीर का बयान। डल झील से बरामद 3 लाशों की शिनाख्त, मुकम्मल तहकीकात जारी, पुलिस ने दी जानकारी। दिल्ली में IAS कोचिंग सेंटर के तहखाने में पानी भर जाने से 3 अफराद की मौत, अलग अलग जगहों पर तुलबा ने किया एहतजाज। तीन तुलबा की मौत के बाद करोल बाग मेट्रो स्टेशन में तुलबा का एहतजाज, पुलिस ने तुलबा को लिया हिरासत। दिल्ली में IAS के तुलबा की मौत पर खड़के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सख्त बरहम, इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया। सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट, गुज़िश्ता एक हफ्ते में हुई 5,000 रुपए तक कमी। तो चले थी बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से IAS कोचिंग सेंटर में देखने को मिला कि 3 तुलबा की मौत होगी, जिसके बाद आज तुलबा का एहतजाज जारी रहा और तुलबा की तरफ से MCT और IAS कोचिंग सेंटर के खिलाफ एहतजाज किया और कोचिंग सेंटर के इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा उन्होंने किया है, और जिस पर वहां पर पुलिस भी पहुंची और भारी फोर्सेस वहां पर तैनात की गई और कुछ तुलबा थे जिन्हें हिरासत में भी लिया गया। और आज देखने को मिला कि तुलबा की तरफ से वहां पर एहतजाज किया गया, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जो तुलबा है उनकी तरफ से एहतजाज किया, उनका यही मुतालबा था कि जो सेंटर्स है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनका ये मुतालबा था। और इस मौके पर फोर्सेज भी तैनात कर दी गई हैं, और जिस तरीके से IAS कोचिंग सेंटर की बात करेंगे, जहां पर 3 जो तुलबा थे उनकी मौत वाकया हुई, जिसके बाद ये एहतजाज देखने को मिला। और दिल्ली के पुरानी राजेंद्र नगर इलाके में 3 उम्मीदवारों की मौत के बाद तुलबा ने MCT और IAS कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान तुलबा ने मुख्तलिफ नारे लगाए और मुतालबा किया कि कोचिंग सेंटर के इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि ABVP ने दिल्ली के मिर्शली ओबराय की रिहाइशगाह पर एहतजाज किया, और इसके अलावा जो तुलबा थे उन्होंने भी एहतजाज किया। और आज बताया जा रहा है कि जो तुलबा थे वहाँ पर एहतजाज किया, जिसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्हें भी तैनात कर दिया गया उस इलाके में, उस जगह पर जहाँ पर तुलबा की तरफ से एहतजाज किया जा रहा था। अलग अलग जगहों पर यह एहतजाज किया जा रहा था, दिल्ली के करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर भी तुलबा की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, जहाँ पर मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेज पहुँची और तुलबा को हिरासत में लिया है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो है एक सेंटर था, IAS सेंटर, जिसके तहखाने में पानी भर जाने से एक बड़ा हादसा पेश आया। कोचिंग सेंटर के पानी भरने से तहखाने में जो है 2 तुलबात और एक लड़का जहां बहक हो गया। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और NDRF की टीमें मौके पर पहुंची। मामले की संगीनी को देखते हुए दिल्ली पुलिस के आला अफसरान भी उस मौके पर पहुंचे, और उसके अलावा
तुलबा की तरफ से नाराजगी जाहिर की और तुलबा ने उस वक्त जबरदस्त मुजाहरा किया। दिल्ली हुकूमत के वजीर आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को हिदायत दी कि वाकई की तहकीकात शुरू करें, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करें। आतिशी की तरफ से भी उन्हें सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि जो पूरा मामला पेश आया है इस पर तहकीकात होनी चाहिए। और आपको बता दें कि इस हफ्ते के शुरू में भी दिल्ली के पटेल नगर इलाके में शदीद बारिश के बाद जो सिविल सर्विस के इम्तिहान की तैयारी कर रहे एक 26 साल उम्मीदवार की उस वक्त बिजली के झटके लगने से मौत हो गई जब वो एक लोहे की गेट को छू रहा था जिस पर बिजली गिर गई। यानी कि ये पूरा मामला पेश आया है और आज भी जो तुलबा थे उनकी तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया और पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँची, एहतजाज को रोकने की कोशिश की। और इसके अलावा बताया जा रहा था कि जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँचे, पुलिस अफसरान पहुँचे, उनकी तरफ से कहा गया कि यहाँ पर एहतजाज करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन जो रोड को ब्लॉक कर रहे हैं जिसके खिलाफ पुलिस ने कुछ तुलबा को हिरासत में भी लिया। शाम से जब से इंसिडेंट हुआ है वी हैव बीन वर्किंग रिलेंटलेसली इन सर्च एंड रेस्क्यू। उसके बाद इसका एक लीगल एक्शन, प्रॉपर लीगल एक्शन लेना, लोगों को गिरफ्तार करना, हमने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके भावनाओं को मैं और मेरी पूरी फोर्स बहुत अच्छे समझती है, हमने उनसे बहुत पेशेंस से डील किया है। कल से वो जो राजेंद्र नगर वाला रास्ता है ओल्ड राजेंद्र नगर का, वो जाम था। वी अंडरस्टैंड देयर सेंटिमेंट्स, वी अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टैंड दैट दे हैव लॉस्ट सम ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड इट इज़ बाउंड टू कॉज प्रॉब्लम। हमने उनको पूरा प्रोटेस्ट करने का अलाउ किया, आज सुबह भी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे ऑफिसर्स उनसे मिलते रहे, उन्होंने कुछ डिमांड दिए, वो डिमांड रिसीव करके मैंने पर्सनल अश्योरेंस दिया कि उनके डिमांड्स को मैं कंसर्न्ड एजेंसी से टेकअप करूंगा, क्योंकि वो डिमांड पुलिस से रिलेटेड नहीं है, वो एमसीडी से रिलेटेड हैं, बाकी सिविक एजेंसी से रिलेटेड हैं। हमने एश्योर किया, मैंने रिक्वेस्ट करके सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब को भी मौके पर बुलाया। उसके बावजूद जो पूसा रोड, जो दिल्ली में एक आर्टेरियल रोड है, उसके दोनों कैरेज वे को एक घंटे से उन्होंने जाम कर दिया। उनसे रिपीटेडली रिक्वेस्ट किया, अनाउंसमेंट किया हमने माइक पे, मैंने खुद उनसे रिपीटेडली रिक्वेस्ट किया कि आप पूसा रोड आर्टेरियल रोड है, इसको जाम ना करें, आप जहां प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे चले जाइए और हम आपके साथ हैं। जब वो फिर भी नहीं माने तो हमने माइल्ड यूज़ ऑफ फोर्स करके, तो आप सबने भी देखा हमने कोई लाठीचार्ज नहीं किया है, हमने किसी को नहीं पीटा है, माइल्ड यूज़ ऑफ फोर्स करके उनको धक्का देके रोड से साइड करके हमने पूसा रोड को फिर से चालू कराया है, जो कि एक आर्टेरियल रोड है दिल्ली का और इम्पोर्टेंट है कि इसको एक घंटे से जाम करके रखा है। ये सारे चीज वीडियोग्राफ्ड है, एवरीथिंग इज देयर एंड वी आर वेल अवेयर अबाउट द प्रोसीजर्स एंड आई एम वंस अगेन टेलिंग आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव टू देम। वी डोंट वांट टू रजिस्टर एनी केसेस ऑन देम, वी डोंट वांट टू कॉज देम एनी काइंड ऑफ हार्म जो कि उनका आगे करियर पे इफेक्ट करे। तो चलिए, इस हादसे को लेकर राहुल गांधी की तरफ से भी इजहार किया गया, जहां पर दिल्ली कोचिंग हादसे पर गम का इजहार करते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। दिल्ली कोचिंग हादसे पर गम का इजहार उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि ये बुनियादी ढांचे की तबाही और निज़ाम की मुश्तरका नाकामी है। उन्होंने कहा कि महफूज और पुरसकून जिंदगी हर शहरी का हक है और हुकूमत की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिल्ली में एक इमारत की बेसमेंट में पानी भरने से जो इम्तिहान की तैयारी करने वाले तुलबा की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। और उसके अलावा उन्होंने लिखा कि चंद रोज कबल बारिश के दौरान बिजली का झटका लगने से एक तालिब इल्म की मौत हो गई थी। और उन्होंने ये भी लिखा कि तमाम जितने भी सोगार खानदान हैं उनसे दिली ताजियत का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि जो ये पूरा मामला पेश आया है, उन्होंने कहा महफूज और पुरसकून जिंदगी हर शहरी का हक है और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद लिखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ये इनादम नज़म की मुश्तरका नाकामी है, आम शहरी गैर महफूज, तामीरात नाकिस, टाउन प्लानिंग हर सतह पर, अदारों की अदम जवाबदेही की कीमत अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। उन्होंने ये लिखा कि हर शहरी का महफूज होना और सुकून से रहना, जिंदगी गुजारा उनका हक है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने आज जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है ये लिखा और नई दिल्ली कोचिंग हादसे पर उन्होंने गम का इजहार किया।
जनूबी कश्मीर के गोजर बस्ती रानी अंगाम के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया और जल शक्ति महकमे के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि ये बस्ती एक महीने से पीने के पानी की किल्लत का शिकार है। बस्ती के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अब मुकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और जल शक्ति महकमे से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द पीने के पानी के मसले का हल निकाले ताकि अवाम को राहत मिल सके। इसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति कोकरनाग ने फौरी इकदाम करते हुए बस्ती के लिए पानी का एक टैंकर रवाना किया जिससे लोगों को किसी हद तक राहत मिली। हमारे मांगे खान गुजर रियकनगाम गुजर बस्ती का नाम है सतरेशी मल्ला। मेरी गुजारिश है कि एक महीने से मेरे जो ये गुजर लोग हैं पानी के मुसीबत से बहुत तकलीफ होगी इनको कि आप बर्तन देखो कहाँ हैं, दिन पर बर्तन रोडों पर हमारे पड़े पहते हैं। इसके लिए हमने मुलाजम साहबों को भी गुजारिश की, हम जब फोन करते हैं हमारा फोन कोई नहीं उठाता है जी। एक महीने से हमारी देखो बाड़ी, हमारे बच्चे देखो नहाने से बच्चे सिर्फ स्कूल को नहाने से धोने से बगैर इनका मुंह धोने के लिए पानी नहीं, बीमार की टिक्की खाने के लिए पानी नहीं। हम मुलाजमों को जब गुजारिश करते हैं मुलाजम हमारा फोन नहीं उठाते हैं। हर गांव में अगर पानी मुलाजम खड़ा है इस बस्ती में, गवर्नमेंट को इस बस्ती के साथ क्या जातियात है, क्या डिमांड है इस वक्त डीसी साहब से? मेरी खास गुजारिश यह बड़ी अफसरों से कि यहाँ के लोगों को मेहरबानी की जाए कि यहाँ के लोगों को पानी की तरस से मत मारो। मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि हमें पानी की बहुत मुश्किलात हो रही है, हमें पानी चाहिए और कुछ भी नहीं हम कह सकते इस वक्त, क्योंकि हमें बहुत सख्ती है पानी की। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको बहुत तकलीफ होती है नहाने, आप देख रहे हैं कि गर्मी कितनी है, हमें नहाना पड़ता है, हमें बच्चों को नहलाना पड़ता है, बहुत मुश्किलात है हमारे लिए। हम ये गुजारिश करते हैं कि हमें पानी चाहिए जी, हमें बहुत मुश्किलात हो रही है, हमें पीने के लिए भी, बच्चों को नहलाने के लिए भी, स्कूल जाते हैं बच्चों को। मुख्तलिफ देहातों के लोगों ने खेल के मैदान की जगह पर कोल्ड स्टोर की तामीर के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। अलावपुरा, नावपुरा, बला नावपुरा, शुपियां और दीगर देहातों के लोगों ने इस तामीर के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। उनका कहना है कि इस मसले पर उन्हें हरासा किया जा रहा है। मुजाहरीन का कहना है कि एक खेल का मैदान था जहाँ वो खेलते थे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडवोकेट शबीर कुल्ले भी उनके साथ शामिल हुए और कहा उन्हें हर मुमकिन मदद फरहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ और आगा सईद रोला को इस बारे में आगाह किया है और उन्होंने हुकूमत की जानिब से मुकम्मल मदद की यकीन दहानी कराई है। बिल्कुल, हम इसमें अब कल ही तो स्टेट कोर्ट से आया है, मेरी बात सुनिए, मैं फिर आपसे दोहराता हूँ, ये लोगों की बेहबूदी के लिए स्टेट बनी है, हर कोई चीज लोगों के लिए बना है। अगर लोगों की बहबूदी के लिए इधर से उधर भी करना पड़े कोई बड़ी बात नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट इज मच मोर वैल्यूएबल देन पर्सनल इंटरेस्ट, ये लोगों का इंटरेस्ट है, इसमें हम किसी भी हालत में इनको बनाने नहीं देंगे। और इंशाल्लाह जितना कानून भी हमारी मदद करेगा और हम भी जितना भी कर सकते हैं, हमारे MPs भी मदद करेंगे, तो उनको किसी दूसरी जगह देंगे। तो ये हमें इसी मन में बोला कि वही मैं पहले भी दोहरा रहा हूँ ना, उसे बोला आप जाइए ऑन स्पॉट जितना भी आपसे मुमकिन हो करिए, अगर मेरी भी जरूरत पड़ेगी मैं भी आ जाऊँगा पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए मैं भी आ जाऊँगा। बिल्कुल गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है। हाँ, कानून का एक दायरा कार होता है, रातों को रात आएंगे ये, फिर यहाँ से टीन लगाएंगे, फिर ये दीवार बनाएंगे, ये इलीगल सब कुछ है और लोगों को हरास कर रहा है। लड़ाई है कानूनी इनका है, देखिए ये इधर हॉस्पिटल बनने के लिए जमीन रखी है, ये प्ले ग्राउंड है, यही तो है ना वेलफेयर स्टेट भी है। लोगों से फिर गुजारिश करूंगा आपके पास रिप्रेजेंटेटिव। PDP के यूमे तासीस के मौके पर कम्युनिटी हॉल महतरा राबन में पार्टी कारकनान की जानिब से एक तकरीब का इनाकाद किया गया और इस दौरान पार्टी के पॉलिसियों और घर घर पहुंचाने और जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर असेंबली इंतखाबात पर भी बातचीत हुई। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज शाह ने चंद सियासी लीडरान पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सरकारी पैसे को अपने नूर नज़र और खैर ख्वाहों पर खर्च कर रहे हैं जबकि मुस्तहिक लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर रावण से इस मामले की तहकीकात की अपील की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे है, ये हर जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे मनाया गया। कल श्रीनगर में पार्टी
का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन रहा, वहाँ पे पार्टी श्रीनगर में मनाया गया, लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हर जगह इसको मनाया गया। हम अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दोबारा इस पार्टी को जन्म दिया उन्होंने, और यहाँ जम्मू कश्मीर को लोगों को राहत की सांस ली लोगों ने। यहाँ आज हमारे पार्टी वर्कर्स आए हुए थे सारे, जो बनिहाल से थे, जो खड़ी से थे, जो नील से थे, जो सुम्बड़ इलाके से थे, जो कूल संगलदान के इलाके से थे, हमारे काफ़ी सैकड़ों में हमारे यहाँ पे वर्कर साथी आए हुए थे। मैं इनका भी शुक्रिया करता हूँ कि ऐसी गर्मी में यहाँ पे, क्योंकि आप पता है रामबन बहुत गर्म इलाका है, हमारे पहाड़ी इलाके से हमारे जो लोग आए थे, हमारे साथी आए थे, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकायतें सुनी ऐसी कि गवर्नमेंट के पैसे का आज बड़ा मिसयूज़ हो रहा है। कई जगह पे ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का फंड जो है उसको मिसयूज़ किया जा रहा है, मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, उसको कहीं इलेक्शन के लिए खर्च किया जा रहा है, लेकिन शायद इनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि इसके पीछे हिसाब किताब है। राजौरी थाना मंडी शाहरा आया के मुकाम पर सड़क तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। राजौरी म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 1 की ये सड़क जो राजौरी को थाना मंडी से जोड़ती है, खस्ता हाली के बाद मुसाफिरों और निजी गाड़ियों के मालकान के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। मुकामी लोगों के मुताबिक कि उन्होंने कई बार इस सड़क के हालात पर एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत नहीं की गई। सर, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले 50 साल से इस रोड की हालत जो है वो ऐसी की ऐसी है। आप यहाँ पर आज खुद आए, आपने विजिट किया और यहाँ पर ये हालत देखी कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो, आज सुबह भी एक शख्स ने हमें बताया कि मेरी गाड़ी का एक्सल टूट गया, यहाँ पर खड्डे में गाड़ी पड़ी और गाड़ी का एक्सल टूट गया। इस रोड की हालत बहुत खस्ता है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान आ चुके हैं। बी आर ओ वाले यहाँ पर आते, जब हम आवाज़ उठाते हैं इस रोड के ऊपर, ज़रा सी मिट्टी डालते हैं, फिर बारिश होती है और फिर वही हालत होती है। विजुअल आप लोगों के सामने है, सारी तस्वीरें आपके सामने हैं कि इस रोड की हालत बहुत खस्ता है। यहाँ बड़े बड़े तालाब लगे हैं, आसपास से कोई चल भी नहीं सकता है। इस वक्त हम खड़े हैं थाना मंडी राजौरी शाहरा पर, जिसका मंजर पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे एक नदी से गाड़ी गुजर रही है। ये शाहरा ऐती के नज़दीक है, जहाँ से राजौरी और थाना मंडी को जोड़ने वाली ये शाहरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ बीआरओ की तरफ से हर चंद माह बाद मिट्टी डाल दी जाती है और अपने फ्राइज को अंजाम दिया जाता है, मगर ये फ्राइज हैं या क्या हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त राजौरी से ऐती के मकाम पर, जहाँ इस वक्त ये शाहरा पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह की हालत बनी, आप देख सकते होंगे। इस वक्त ये थाना मंडी राजौरी शाहरा, इसको मुगल शाहरा के नाम से भी जाना जाता है, और इस शाहरा की हालत आप मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक नदी से गाड़ियाँ गुजर कर थाना मंडी का रुक कर रही हैं या आ रही हैं। ये शाहरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मुगल शाहरा के नाम से भी जाना जाता है, और लगातार इस शाहरा को लेकर कई बार मकामी लोगों की तरफ से एहतियाती सिलसिले भी देखने को मिले, क्योंकि इस शाहरा की हालत खस्ता दिन ब दिन होती जा रही है। चंद बूंदें बारिश की राजौरी में हुई और हालत आप इस शाहरा की देख सकते होंगे। हालांकि इस शाहरा पर बीआरओ की तरफ से वक्फे से मिट्टी डालकर आनापूर्ति ज़रूर की जाती है, मगर उसके बाद इस शाहरा की पूरी मैं आपको हालत दिखाता हूँ। एक बड़ी आबादी है यहाँ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ शाहरा पर, और लोगों को कितनी किस्म की का सामना करना पड़ता है, और लगातार इस तरह के लेकर, इस रोड को लेकर मकामी लोगों की तरफ से एहतजाज देखने को मिलता है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, कुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। वादी में इस साल की शदीद गर्मी ने हर तरफ तबाही मचाई है। काफी अरसे बाद वादी में खुश्क साली पैदा देखने को मिली है, जिसमें तमाम फसलें बशमूल वादी की सबसे बड़ी सनत सेब की सनत और दीगर फसलें मुतासिर हुई हैं। बाग मालिकान शदीद परेशानी का शिकार है, क्योंकि हर तरफ खुश्क साली का राज है। यहाँ के किसान इस वक्त बहुत से परेशान हैं। एक तरफा रवा साल बताया जा रहा है कि सेब की फसल ना होने के बराबर है, और पहली बार वादी में तमाम सब्जियों भी खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग और किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। جناب مےٚ چھُ ناو ریاض احمد ڈار، بہٕ چھُس روزان أرٕ کۄلگامہِ۔ یُس زَن یہِ خۄشک سٲلی یِہُس گٔے، اَمہِ سۭتۍ گٔے واریاہ زیادٕ پرٛابلِم، خاص کر کِسانَس، کیٛازِ آبٕچ قٕلت گٔے واریاہ زیادٕ گۄڈَے۔ اگر وٕچھو کہِ یُس زَن اَسہِ روزمرہ سبزی اَکھ ٲس، یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان ہاکھ، اردوٗ پٲٹھۍ چھِ وَنان ساگ کَڑم، یُس زَن بِلکُلٕے ختم گوٚو گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے۔ مگر بدقٕسمتی چھِ یہِ کہِ گورمٮ۪نٛٹَس چھُنہٕ اَتھ کُن کٕہٕنۍ دھیان، کہِ گورمٮ۪نٛٹَس پَزِ ہا سونٛچُن
कि किसान यमन चीजन पर खास कर कत करो ये तस मतलब ये दान बनन बनम इलाकन मज सोनिस एरिया मज चूंठ बनन बे सब्जी थोड़ा बहुत बनन मगर ये गो सोरी खत्म खुशक सली रूद नपिन पेन के वजह सतन गई वारिया ज्यादा मुश्किलात अकिस किसानस पद मगर गवर्नमेंट छुन टस से मस गसन के गवर्नमेंट को चाहिए इस साल के किसान के साथ भरपूर इंसाफ होना चाहिए क्योंकि किसान बार बार ऐसी आफतों का शिकार हो रहा है पिछले सालों से भी पिछले साल फसल भी कम था लेकिन गवर्नमेंट की ध्यान कभी भी नहीं गया किसान की तरफ से किसान बार बार गुहार लगा रहा है कि मेरा जो केसीसी है वो उसको मतलब एक तरफ से बिल्कुल तंग कर रहा है। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।